तो अभी आपने देखा हमारे पॉलिटिक एक्सपर्ट और कैरियर प्लस टेस्ट सीरीज के जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटी और करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में उनका सब्जेक्ट रहता है। अब हम इन्वायरमेंट को देखेंगे जो हमारा सेक्शन रहा है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 विथ रेफरेंस टू कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी नॉर्म्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसको शॉर्ट में हम लोग CAFE कहते हैं, कैफे है ना, नॉर्म्स है। इसके संदर्भ में जो सेंटेंस दिए गए हैं वो कहाँ तक सही है पहले हम बताएं। पहले हम बताएं कि कैफे नॉर्म्स होता क्या है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट नॉर्म्स बनाए गए हैं जिसमें से एक है कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। तो पहले देखें कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके संबंध में बात करेंगे। देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके वाहनों के ईंधन खपत को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। दे एम एट लोअरिंग द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ व्हीकल बाय लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने के लिए जो टूल और टेक्निक्स आवश्यक होता है फ्यूल कंजम्पशन के संदर्भ में उससे इस इफिशेंसी नॉर्म्स का वास्ता है। देन करेंटली दीज नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ओनली टू पेट्रोल डीजल व्हीकल। इसमें बताएं कि ये पेट्रोल और डीजल व्हीकल के अलावा CNG से भी जुड़ा हुआ है। ये नॉर्म्स जो है CNG को भी अपनाता है। तो इस हिसाब से कार्बन इमिशन तो इसके अंतर्गत आता ही है बट ये जो दूसरा सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है इसलिए इसका आंसर जो है हमारा ए होगा। फिर इसके संबंध में कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग देखना चाहें तो जो आपका कैफे नॉर्म्स हैं वो 2030 तक हमें एडॉप्ट कर लेना है। मतलब 2030 तक इसके जो नॉर्म्स हैं उसको पूरी तरह से लागू करना है। यह फ्यूल इफिशिएंसी जो व्हीकल्स वगैरह में होते हैं उसकी इफिशिएंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाना है और इफिशिएंसी को बढ़ाने के क्रम में डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे CO2 इमिशन को कम करना है जो फर्स्ट सेंटेंस बोलता है। फिर है यह जो फ्यूल जो हमारा पेट्रोलियम से रिलेटेड फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी को कम करने से संबंधित भी है। मतलब जैसे ऑयल पर जो हम लोग डिपेंडेंसी रखते हैं उसके अलावा अन्य अल्टरनेटिव फ्यूल जो है उस पर भी डिपेंडेंसी को लाया जाए। ठीक है। और जो ये नॉर्म्स हैं वो पेट्रोल डीजल के साथ साथ LPG और CNG से जुड़े हुए जो पैसेंजर्स हैं उनमें CO2 इफिशियंसी को बढ़ाने से वास्ता रखता है। यह जो CAFE नॉर्म्स जो है 2017 से हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 17। देखें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जर्डोन्स कर्सर। जर्डोन्स कर्सर एक पक्षी है ना, एव्स है। इससे संबंधित कौन सा सेंटेंस सही है। पहला इट इज नॉक्टर्नल बर्ड मतलब रात्रि में चरने वाले, सही है ये नॉक्टर्नल बर्ड है। इट लिव्स इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्क्रब जंगल विथ ओपन एरियाज। ये कहता है कि ऐसे स्क्रब से रिलेटेड एक होता है हर्ब
जो वेजिटेशन होते हैं, हर्ब है, स्क्रब है और ट्री है। हर्ब जो है छोटे वाले होते हैं, मिडिल साइज के स्क्रब होते हैं, फिर ट्री होते हैं। तो कहता है कि ये जो बर्ड हैं विशेष करके स्क्रब वाले में, मिडिल साइज जो ट्री हैं उससे रिलेटेड जो फॉरेस्ट हैं उसमें होंगे, लेकिन बीच में जो है वो ओपन एरियाज भी होगा, ऐसे फॉरेस्ट में वो रहते हैं। क्या ये सही है? यह भी सही है, ठीक है। अनडिस्टर्ब स्क्रब जंगल और ओपन फॉरेस्ट भी साथ में होते हैं, ऐसे क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज़ इंडेमिक टू द डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यह सही नहीं है। यह इंडेमिक है इंडिया के कंटेक्स्ट में, खासकर जो हमारा ईस्टर्न घाट का रीजन है वो एरिया, वहाँ पर ये आप कह सकते हो कि इंडेमिक है। इंडेमिक का मतलब यहाँ ये है कि किसी खास रीजन में पाए जाने वाले। तो ये ईस्टर्न घाट का जो क्षेत्र है आप देखें, वहाँ पर खासकर आंध्रा वाला जो आंध्रा कोस्ट है वहाँ पर मिलते हैं। और इसके बारे में अगर हम जानकारी दें, तो इससे पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर ढूंढ लें, तो ये वाला सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो गया, 1-2 करेक्ट है। तो इसके हिसाब से ए है। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, थॉमस जॉर्डन ने 1848 में, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया, इस एब्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको, ये श्रीलंका में एक सेंचुरी है, श्रीलंका मॉल्सवेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ भी आप देखेंगे कि जॉर्डन कर्सर पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड हो गए। और आप देखेंगे कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN का जो लिस्ट है, IUCN का वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला लिस्ट उससे जुड़ा हुआ है। कौन? ये जॉर्डन कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आ जाए हम, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, देखें इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता कन्वेंशन का हिस्सा है? इसको शॉर्ट में हम लोग CBD भी कहते हैं। तो ये जो कन्वेंशन है, दिया गया कन्वेंशन, उसमें से CBD का पार्ट कौन सा है देखेंगे। तो पहला तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने से है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल हैं उसमें से ये नहीं आता है। फिर नागोया प्रोटोकॉल, ये इससे सही, इसे जुड़ा हुआ है। कार्थागेना प्रोटोकॉल, ये भी सही है। आईची डिक्लेरेशन अगर रहा लिखा हुआ इसके साथ, तब ये भी सही होगा। तो आप देखें ये दोनों फैक्ट, ये फैक्चुअल है कि CBD जो आपको कन्वेंशन के रूप में आया है उससे जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल कौन कौन है, तो 2 और 3 आपका सही है। इससे रिलेटेड अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जानिए कि CBD जो है वो आपका जो वर्ल्ड लेवल पे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो कन्वेंशन हुए हैं उसी का एक पार्ट है आपका CBD। और CBD के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के ये सब प्रोटोकॉल का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक मैंडेटरी प्रोविजन, मतलब उस पर काम करना है, ये तय होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन, तो हमारा आंसर 2-3 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैक
40-28, ठीक है। तो मैक 40-28 जो है यह भी एक जो है, आप देखें कि इसके संबंध में जो स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं, कहाँ तक सही हैं। तो आप देखें कि ये यहाँ जो साइंटिस्ट फ्रॉम अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने एक स्पेशल वैरायटी ऑफ व्हीट, ठीक है, व्हीट को रिसर्च्ड किया, ठीक है, जो दो तरीके से आपको प्रोड्यूस किया जाता है, एक ब्रीडिंग के माध्यम से और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। ये आपका देखें कि सेंटेंस जो आपका अग्रण इंस्टीट्यूट ERI के बारे में है के द्वारा मैक 40-28 को प्रोड्यूस किया गया, रिसर्च किया गया। यह राइस की एक अर्धबौनी किस्म है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हमने कहा कि यह व्हीट की किस्म है। ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम जो है व्हीट का एक आप कह सकते हो वैरायटी है, जिसका मैक 40-28 से संबंध है, ठीक है। तो ये जो है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस की जगह व्हीट रहता तो सही होता। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो है वो व्हीट का एक वैरायटी है जो सेमी ड्राई रीजन, मतलब क्या आप कह सकते हो कि इंडिया का जो रेन फेड एरिया है, रेन फेड एरिया, जैसे आप अगर इंडिया की बात करें तो जो रेन फेड एरिया, ये वाला जो एरिया है, एकदम से वेस्टर्न घाट को छोड़ दिया जाए, वेस्टर्न घाट को छोड़ दिया जाए, ईस्टर्न घाट को छोड़ दिया जाए, तो ये वाला जो बीच का एरिया है, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो बीच का एरिया है, ये आपका पूरा जो है रेन फेड एरिया के रूप में जाना जाता है मुख्य रूप से। वहाँ पर सॉइल जो है वो येलो सॉइल हैं, रेड सॉइल हैं, जिसमें आपको सामान्यतया जो कल्टीवेशन होता है वो कल्टीवेशन कोर्स ग्रेन्स का होता है। ऐसे क्षेत्र में एक व्हीट की एक स्पेशल वैरायटी का कल्टीवेशन का पॉसिबिलिटी को बनाना एक अच्छी बात है फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से, और इस क्षेत्र में इसका ग्रोथ संभव है। वैसे जो व्हीट वगैरह के ग्रोथ होते हैं वो विशेष रूप से आप देखेंगे तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, खासकर जब आपका विंटर सीजन में जो हम लोग ग्रो कराते हैं विंटर सीजन में क्रॉप का, वो विशेष करके व्हीट विंटर सीजन का क्रॉप है। और जो प्लेन इंडिया का प्लेन वाला एरिया है, जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से ग्रो करता है। वैसे स्टेपल क्रॉप इंडिया का राइस है, जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया जो है ग्रो कराया जाता है, लेकिन उसके अलग अलग वैरायटी होते हैं, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली ग्रो होता है। तो ये व्हीट का वैरायटी है, सामान्यतः जो हम ट्राइटिकम एस्टिवम की बात करें तो हम लोग ग्रो उसको नहीं करते हैं, ट्राइटिकम का दूसरा स्पीसीज है उसको ग्रो कराते हैं, लेकिन ये स्पेशल डेवलप कराया गया है जो रेन फेड रीजन में ग्रो होता है। फिर देखें, यह एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी है विच मैच्योर्स इन 102 डेज, यह भी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इसका, तो ये भी सही है, ठीक है, और ये गलत है, ये सही है। तो 2 और 3 जो है इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हम लोग 52 की बात करें। वाटर कंटामिनेंट्स आर अ मेजर थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। सी, वाटर कंटामिनेंट्स मीन्स टू से दोज पॉल्यूटेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज पॉल्यूशन इन वाटर, लाइक यू हैव द नाइट्रोजन केमिकल्स, फॉस्फेट केमिकल्स, पोटास केमिकल्स एंड अदर क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, सल्फेट, ऑल दीज केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूशन ये सब केमिकल्स
सामान्यतया कॉज करते हैं, तो इनके संबंध में क्या सही है? पहला है डिफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑफ दैट फ्लोराइड, सी फ्लोराइड इज वन ऑफ द वाटर पॉल्यूटिंग सब्सटेंस और वाटर पॉल्यूटेंट विच इज वेन हैविंग विथ मोर प्रेजेंस इन वाटर बॉडीज एबल टू कॉज पॉल्यूशन इन वाटर एंड इफ इज टेकन बाय ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बीइंग देन इट वुड कॉज सम काइंड ऑफ टूथ डीके टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब दांत को ये कमजोर करता है। आप जानते हैं फ्लोराइड लेते हैं हम लोग टूथपेस्ट के माध्यम से, ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, अगर मान लो कि इसकी कमी हो जाए तो ये टीथ को कमज़ोर करता है। तो फ्लोराइड की डिफिशियंसी से, ठीक है, आप कह सकते हो टूथ डीके का चांस बढ़ता है, ये बात भी सही है। एक्सेस सल्फेट इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज लैक्सेटिव डिजीज। देखें ये नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो या फॉस्फेट हो, इस दोनों से आपको एक प्रकार का मिथेमोग्लोबीमिया टाइप का डिजीज होता है। उसी तरह से सल्फेट में, सल्फेट के कारण एक आप कह सकते हो कि रेचक प्रभाव जो है आपको बॉडी पर दिखता है। तो ये आप देखेंगे कि वाटर कंटामिनेंट में ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है। एक और दो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएं। 52 के बाद हमारा जो है वो 53 है। विच अमोंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इन्वायरमेंटल कुर्जनेट्स कर्व। एक इन्वायरमेंट कुर्जनेट्स कर्व बनाया गया है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो नॉर्मली हम लोग जाने कि ऐसा कहा जाता है कि इन एनी सोसाइटी, इन प्रिमिटिव स्टेज ऑफ द सोसाइटी और हैविंग विथ अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, पॉल्यूशन लेवल इज जनरली लेस एंड व्हेन विथ ग्रोथ एंड वी सी विथ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पॉल्यूशन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड सी आफ्टर सम टाइम और विथ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन अ सोसाइटी और इन एन इकोनॉमी देर इज सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड देर इज चेक ओवर सच काइंड ऑफ पॉल्यूशन इन इकोनॉमी और सोसाइटी एंड आफ्टर दैट सी पॉल्यूशन अगेन इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक प्रकार का आप देखें कि हम रिलेशनशिप की बात करें तो एक ये जो आप देखेंगे यहाँ जो कह रहा है इन्वर्टेड वी शेप्ड एक कर्व बनता है इस टाइप का। जो इकोनॉमी में देखें इस तरह के, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम और पॉल्यूशन के संबंध में रिलेशन की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है पर कैपिटा इनकम के बढ़ने के साथ। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर ये मॉडरेट चेंजेज हो रहे हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे कर्व की बात करें तो कर्व थोड़ा सा यहाँ पर इस टाइप का कर्व बनता है, इस टाइप का थोड़ा सा, और फिर ये स्टीपली डाउनवर्ड मूव करता है। मतलब पॉल्यूशन जो है यहाँ पर कम होने लगता है विथ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो अकॉर्डिंगली अगर हम स्टेटमेंट को देखें, देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज इट डायरेक्ट रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे जैसे हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएंगे पॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, या तो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब पर कैपिटा इनकम के साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर है देर इज इन्वर्टेड यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन एंड पर कैपिटा इनकम, ये बात सही है। आप देखेंगे इन्वर्टेड यू शेप्ड रिलेशनशिप है। पहले क्या है, पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, फिर जो है वो चेंजेज हो रहे हैं, फिर शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बी वाला जो है वो अपने आप में कंपेरेटिवली सही है। फिर है देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन लेवल एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, और इन्वर्स रिलेशन आप कहें ऐसा कुछ विशेष
इसके साथ संबंध नहीं रखता है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन लेवल एंड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, ये भी इस कर्व से इसका कोई इस स्टेटमेंट का संबंध नहीं है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, 54। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? पहला है, इट गिव्स रियल टाइम डेटा अबाउट द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फॉर ऑल सिटीज इन इंडिया, भारत के सभी शहरों के प्रदूषकों के स्तर के बारे में वास्तविक समय के आंकड़े देता है। क्या यह सही है? देखें, ये जो आप देखेंगे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, राष्ट्र के वायु की गुणवत्ता के मापन के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है। इस इंडेक्स के आधार पर यह स्टेटमेंट कौन सा सब सही है वो देखना है। दूसरा है, यह स्टेटमेंट, यह जो स्टैंडर्ड है जो नेशनल एयर क्वालिटी का, वो WHO के नॉर्म्स के आधार पर बनाया गया है। क्या यह सही है? इट कंसिडर्स 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग लेड एंड ओजोन। तो देखिए, इन सब सारे स्टेटमेंट में पहला जो है, गिव्स रियल टाइम डेटा अबाउट द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फॉर ऑल द सिटीज, ये सही है। फिर देखें दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय WHO, यह भी सही है। इट कंसिडर एट पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग लेड एंड जोन, यह ओजोन, यह भी सही है। तो क्वेश्चन का आंसर तो सिंपली 1, 2, 3 सी वाला है, लेकिन इसके बारे में अगर हम जाने तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स किसने दिया है? ठीक है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आईआईटी कानपुर के द्वारा यह डेवलप कराया गया है। ठीक है, आप देखें, यह उसके बाद हमारा जो है वो सफर इंडेक्स भी आया है, जो एयर क्वालिटी का मेजरमेंट करता है। पहले नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, उसके हिसाब से रियल टाइम डेटा पहले 10 सिटीज के संदर्भ में था, अब तो सारे सिटीज को यह के संदर्भ में रियल टाइम डेटा जो है पॉल्यूशन के लेवल के संदर्भ में देता है। और WHO में कई तरह के इस तरह के नॉर्म्स डेवलप कराए गए हैं, उस नॉर्म्स पर यह आधारित है। और यहाँ 8 पॉल्यूटेंट्स तो यह सही है, इसलिए इसके हिसाब से 1, 2, 3 आंसर है। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 55। देखें, विथ रेफरेंस टू बायो रीमेडिएशन कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू, हाँ देखें, बायो रीमेडिएशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। तो बायो रीमेडिएशन है क्या? बायोलॉजिकल जो आप कह सकते हो, बायोलॉजिकल प्लांट हो या एनिमल हो, उसका यूज करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जो तकनीक है उसको हम लोग बायो रीमेडिएशन कहते हैं। इसी में एक पार्ट फाइटो रीमेडिएशन का भी होता है। सिंपली बायो रीमेडिएशन की चर्चा करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का यूज करके हम लोग, ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से संबंध रखते हैं। देखें, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बायो रीमेडिएशन के संदर्भ में सही है? पहला है, नो टॉक्सिक केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ये बात सही है कि इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल यूज नहीं किया जाता है। अगर बायो रीमेडिएशन की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसके द्वारा जो पॉल्यूटेंट्स, जैसे कई बार जो है इन सिटू बायो रीमेडिएशन भी करते हैं। जैसे मान लो कोई पॉल्यूटेंट कहीं रखा हुआ है, वही इंट्रोड्यूस कर दिया माइक्रोब्स का, और वही आप डिकम्पोज करके अदर अल्टरनेटिव्स में या दूसरे यूजफुल आप कह सकते हो प्रोडक्ट के रूप में ऐसे माइक्रोब्स उन पॉल्यूटेंट्स को चेंज कर देते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा है एक्स सिटू है कि उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स को, जो पॉल्यूटेंट्स जहाँ पर पॉल्यूशन किया गया उसको वहाँ से ले जाकर कहीं दूसरे जगह ले जाकर वहाँ पर बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन कहते हैं। लेकिन उसमें टॉक्सिक केमिकल का यूज होता नहीं है, ऑल्दो कि इन द मेन प्रोसेस कोई टॉक्सिक केमिकल बन जाए वो अलग बात है। और वो टॉक्सिक केमिकल पहले वाले पॉल्यूटेंट्स कहीं ज़्यादा भी हो सकता है टॉक्सिक, बट यूज एक्चुअली किया नहीं जाता है कोई टॉक्सिक केमिकल का। देन इट इज लिमिटेड टू दोज कंपाउंड्स विच आर बायोडिग्रेडेबल। तो बायो रीमेडिएशन का एक लिमिटेशन के रूप में देखा जाता है कि यह जो है बायो रीमेडिएशन सिर्फ और सिर्फ जो है
बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स पर ही कारगर है, जैसे हैवी मेटल्स जैसे लेड है, ठीक है, जिंक है, उससे रिलेटेड अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो ऐसे पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। देन इट रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन टू बी इफेक्टिव। यह अभी सही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का लोअर लेवल पर ट्रीटमेंट ऐसे प्लांट्स में किया जाता है। तो आप देखें कि इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, नो टॉक्सिक केमिकल यूज इन दिस प्रोसेस, ये सही है, फर्स्ट है। दोज कंपाउंड विच आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी सही है, वन टू, और तो वन टू, वन एंड टू, सी सही है क्योंकि इसमें एनारोबिक प्रोसेस नहीं होता है, एरोबिक प्रोसेस होता है, देयर इज यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सो दिस इज नॉट एनारोबिक प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर आप आ जाए 56। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखें, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है आप जान रहे हैं, यूनेस्को के मापदंड के आधार पर यह एक प्रकार का रिजर्व जो है, एक्सीटू कंजर्वेशन का एक टेक्निक के रूप में यूज किया जाता है, तो सॉरी इनसीटू कंजर्वेशन का टेक्निक के रूप में यूज किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन ये यूनेस्को के मापदंड पर, ठीक है, स्थापित किया जाता है। अब देखें कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ पूछता है कि फ्लोरा एंड फौना के संदर्भ में कौन से करेक्ट हैं, तो यहां पर विशेष करके आप देखें कि इट इज टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, दैट इज व्हाट यू से फौना, फौना ऑफ दिस पर्टिकुलर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो राइनो, राइनो जो है फौना है कि नहीं, राइनो उसका फौना के रूप में नहीं माना जाता है वहां, इस ऐसे एनिमल नहीं होते हैं, एलिफेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है, फिर टाइगर है, बंगाल टाइगर वहां मिलता है, ठीक है, लाइन टेल्ड मकाओ भी मिलता है, इनफैक्ट लाइन टेल्ड मकाओ जो है वो आपको वहां सबसे एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट एनिमल के रूप में नीलगिरी बायोस्फीयर में मिलते हैं। तो 2, 3, 4 जो है इसका ऑप्शन के रूप में सही है, राइनो नहीं है। अदर एनिमल की बात करें तो चाहे तो लिख सकते हैं, जिसमें बात करें तो बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपार्ड, इंडियन लियोपार्ड, लियोपार्ड हो सकता है, है ना, फिर ब्लैक पेंथर भी है, ब्लैक पेंथर है, फिर देखें मैंगूज है, जायंट स्क्वेरल है, नीलगिरी तहार है, नील तहार है, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट में भी कई हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, इसलिए यहां हम 2, 3, 4 जो आंसर इसका है सी, उससे काम चलाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 66। देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको हम लोग हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, सिंपली कह सकते हैं उसके संबंध में क्या करेक्ट है। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट। देखिए इसमें रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही है, ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्लस H2O ऐसा बनता है, ठीक है, तो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन जो है इस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मशीन यूज करते हैं हम, उसमें ये रिएक्शन होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये सही है। फिर है इट ऑलवेज कंबाइंड विथ अ कन्वेंशनल इंटरनल कंबस्शन इंजन रनिंग ऑन पेट्रोल डीजल। देखें ये सेंटेंस में जो है आपको ट्रेडिशनल, इसमें ऐसा जो देखें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें ट्रेडिशनल इंजन कंबस्शन इंजन का यूज तो किया जाता है, लेकिन फ्यूल के रूप में वहां फिर आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, फ्यूल के रूप में उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं होते हैं, इसलिए ये सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। इसके बारे में देखें कि अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से कहा जाए तो स्टेटमेंट जो पहला है वो सही आंसर तो ए है, लेकिन इसके बारे में और चीज़ हम बताएं कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है
में जो हाइड्रोजन सेल, जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल या आप मैकेनिज्म बेस्ड हम लोग ऐसे एनर्जी का यूज़ करते हैं ऐसे व्हीकल में एनर्जी के रूप में, तो वहाँ पर हमारा चैलेंज ये होता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसका कंजर्वेशन, उसका आप कह सकते हो कि रेस्टोरेशन करना एक चैलेंज होता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे आप कह सकते हो कि जो फ्यूल सेल हैं वो गैल्वेनिक सेल के जैसे हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक इंजन को सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग चेंज करते हैं। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखते हैं। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 69। देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोरल रीफ्स आर मोस्ट लाइकली टू फ्लोरिश। देखिए कि इनमें से कौन सा एरिया है जहाँ कोरल रीफ, जो कोरल रीफ जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन में कहा होगा कि कोरल रीफ जो है वो एक प्रकार का एनिमल होता है जो सिलेंटेरेटा ग्रुप का होता है, जो आपको कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। सो कोरल रीफ्स आर रीफ लाइक स्ट्रक्चर और वॉल लाइक स्ट्रक्चर विद हैविंग प्रेजेंस ऑफ ए स्केलेटन और डेड रिमेन्स ऑफ कोरल्स विच इज अ टाइप ऑफ एनिमल। तो इनके जो डेड रिमेन है उससे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम लोग कोरल कहते हैं। तो ये कहाँ ग्रो हो सकता है, उसके लिए पॉसिबल जो रीजन इनमें से कौन सबसे सही हो सकता है, तो आप देखें एरिया वेयर कोल्ड वाटर फ्लोज। इसके ग्रो के लिए नॉर्मली आप देखें कि नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, सैलिनिटी भी नॉर्मल चाहिए, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी भी नहीं काम करेगा, टेम्परेचर भी 21 to 25 चाहिए, है ना, 30 जो है पार्ट पर 1000 ग्राम जो है सैलिनिटी चाहिए। तो सैलिनिटी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ भी नहीं करेगा ये ग्रो। अब देखें कि ये क्षेत्र जहाँ ठंडी जलधारा बहती है, तो जहाँ पर ठंडी जलधारा होगी वहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो हमने कहा कि 21 to 25 डिग्री C जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर है नियर द, फिर आप देखें कि अपवेलिंग जोन। अपवेलिंग जोन का मतलब है कि जहाँ पर पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, जैसे सरफेस है नीचे से ऊपर पानी आ रहा है, यह वह इंपॉर्टेंट प्लेस है वेयर देर इज प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर और कोल्ड करंट, बिकॉज वेयर देर इज अपवेलिंग देर इज कोल्ड करंट एंड देर इज प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर। अगेन यू सी कि जहाँ पर कोल्ड वाटर होगा वहाँ पर फिर से टेम्परेचर जो है इनअप्रोप्रिएट होगा और फिर कोरल का ग्रोथ नहीं होगा। सीवार्ड साइड ऑफ एटॉल, सीवार्ड साइड ऑफ एटॉल, जैसे कोई एटॉल है मान लीजिए कि आइलैंड के चारों ओर एटॉल है, तो इसके जो सीवार्ड साइड हैं वहाँ भी यहाँ इसका ग्रोथ संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि वहाँ पर फूड सब्सटेंस एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखें कि ये सही हो सकता है कि हाँ ये सही हो सकता है। दूसरी बात हम कंपेयर कर लें, नियर द माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर फ्लोज। तो जैसे देखें कि कहीं माउथ रिवर का माउथ है जहाँ पर कि रिवर वगैरह जो है ड्रेन होते हैं, रिवर वगैरह ड्रेन होते हैं, जैसे कि हम लोग देखे हैं, जैसे कि हम लोग देखें कि अगर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ काम नहीं कर रहे हैं, खैर, तो जहां पर वाटर ड्रेन होगा वहां पर क्या होगा, फ्रेश वाटर जो है ओशन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर मिलेंगे। इसका मतलब है कि फ्रेश वाटर के मिलने से जो कोरल रीफ्स के लिए आप न्यूट्रिशन वगैरह के जो सप्लाई के चांसेस हैं उस क्षेत्र में, अगर फ्रेश वाटर के साथ कोई केमिकल्स आ जाए, कोई अदर न्यूट्रिएंट्स जो आ जाए पॉल्यूटेंट के रूप में, तो वो ग्रो नहीं होगा। फिर सैलिनिटी भी जो है वहाँ पर फ्रेश वाटर जहाँ मिलेगा वहाँ सैलिनिटी भी कम हो जाएगा, इसलिए फ्रेश वाटर जहाँ पर रिवर के ड्रेन के रूप में अवेलेबल होगा वहाँ भी एक प्रॉब्लम के रूप में ये उभर करके आता है। इसलिए नियर द माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर फ्लोज, यह भी स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं माना जा सकता है। इसलिए अगर डी अगर रहा जाए, देखा जाए बी और डी के कंपेरिजन, बी और डी में कंपेयर किया जाए, तो डी जो है कंपेटिबली ज्यादा सही है फॉर द ग्रोथ ऑफ और फ्लोरिशिंग ऑफ कोरल रीफ्स। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ 83। देखें, विथ रेफरेंस टू द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
भारत में जो वन है उसके संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला है, भारत में प्रति व्यक्ति वन भूमि विश्व औसत से अधिक है। यह स्टेटमेंट फैक्चुअल है, ये रॉन्ग है अपने आप में। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड एवरेज जो है 0.6 हेक्टेयर है, 0.6 हेक्टेयर वर्ल्ड एवरेज है, और इंडिया की बात करें तो 0.01 हेक्टेयर है। तो जो सेंटेंस करता है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन भूमि विश्व औसत से अधिक है, नहीं कम है। तो एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यह भी जो है गलत है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट सॉरी ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट मानी जाएगी, और भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इसका आंसर दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा के रूप में होगा। तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 86। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू बॉन कन्वेंशन। एम को साइलेंट कर दें, ठीक है। विथ रिगार्ड टू बॉन कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन जो है एक प्रकार का इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, सॉरी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके संबंध में क्या सही है? इट इज इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत एक यह ट्रीटी है। सही है कि नहीं है? यह भी सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोमोट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज के संबंध में यह ट्रीटी है, यह भी सही है। इट कवर्स ओनली टेरेस्टेरियल एवियन स्पीसीज नॉट मेरीन स्पीसीज। देखें ये सेंटेंस जो है वो टेरेस्टेरियल एवियन स्पीसीज और मेरीन तीनों से संबंध रखता है, इसलिए इसमें स्टेटमेंट वन एंड टू सही है। इसका आंसर वन एंड टू होगा। अब आप बताएं, आप देखें कि बॉन कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज टेरेस्टेरियल मेरीन स्पीसीज के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, और इसके संबंध में आप देखें कि यूनेप के द्वारा यह ट्रीटी लाया गया है, और इसमें कई तरह के अपेंडिक्स बनाए गए हैं जिसका संबंध थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज से भी है, और इंटरनेशनल कॉपरेशन के संदर्भ में जो अदर कह सकते हैं कि माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उसके संबंध में भी है। तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो भी हमने देखा बॉन कन्वेंशन के संदर्भ में। डायरेक्टली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप जानें कि बॉन कन्वेंशन का संबंध माइग्रेटरी स्पीसीज से है और टेरेस्ट्रियल एवियन और मेरीन स्पीसीज के कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से वास्ता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू ऑफ 87। देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू स्टॉकहोम कन्वेंशन, यह भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो विशेष करके अगर हम देखें तो तीन ऐसे कन्वेंशन है जो हैजार्डस वेस्ट से जुड़े हुए हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ साथ रोटरडम कन्वेंशन भी है, ठीक है, जिसका कि हैजार्डस वेस्ट से संबंधित है, संबंध रखता है। तो देखें, इट रेगुलेट्स द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ ऑल हैजार्डस वेस्ट। जैसा कि हमने कहा कि रोटरडम कन्वेंशन है उसका भी संबंध हैजार्डस वेस्ट से है, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन का भी संबंध जो हैजार्डस वेस्ट से है। तो डायरेक्टली तो आप देखेंगे बुक्स वगैरह में कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के संबंध में ये बात नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये सारे तीनों हमने कहा कन्वेंशन हैजार्डस वेस्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस सही माना जाएगा। इंडिया इज येट टू रेटिफाई द कन्वेंशन, भारत अभी तक इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है। यह जो है स्टेटमेंट आप देखेंगे, इंडिया इसका सिग्नेटरी नेशन है, इस पर साइन किया है, इसलिए यह भी स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। फिर है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज वाइडली यूज पेस्टिसाइड इन इंडिया हैज बीन लिस्टेड अंडर कन्वेंशन। देखें कि DDT को इस कन्वेंशन के लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। अब देखें विशेष करके अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात किया जाए तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का डायरेक्ट संबंध जो है वो आपको कुछ ऐसे केमिकल्स से हैं जो आप जिसका संबंध जो है हैजार्डस पॉल्यूशन से है, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे कि जो DDT है
उस वेराइटी ऑफ 12 वेराइटी ऑफ जो पीओपी हैं, पीओपी हैं उसमें से एक डीडीटी आता है। वैसे केरल में एक घटना घटी थी, उसमें भी डीडीटी से जुड़े हुए केमिकल जो वाइडली पॉल्यूटिंग किया था उनको भी बैन करने के संदर्भ में इंटरनेशनल लेवल पे बात हुई थी, जो डीडीटी जैसे केमिकल से ही सिमिलरिटी रखता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हमारा जो 3 है, ओनली 3, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, हमारा 97 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप इज आर एबसेंट इन सदर्न हेमिस्फेयर। आप देखें कि अगर ग्लोब की बात करें तो इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन से थोड़ा बहुत चले जाएं 60 डिग्री के बीच में, तो 50 से 60 तक चले जाएं, तो इसी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इन सारे क्लाइमेट की स्थिति है। तो दक्षिणी गोलार्ध में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु अनुपस्थित है की बात करता है। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के बाद, बियॉन्ड 40 डिग्री, ठीक है, लैंड की उपस्थिति जो है बहुत ही कम है। विशेष करके अगर दक्षिण अमेरिका में हम बात करेंगे, पेटागोनिया वगैरह में, तो यहाँ पर कुछ लैंड पाए जाते हैं, अदरवाइज लैंड की उपस्थिति ही कम है। इसलिए अगर हम बात करें कि लोरेशियन क्लाइमेट, तो लोरेशियन क्लाइमेट जो है 50 से 60, वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, कॉन्टिनेंट के पार्ट में है, और चूंकि 50 से 60 के बीच में सदर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलेगा। 50 से 60 के बीच टैगा भी कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है, जो सदर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट की अनुपस्थिति के कारण ऐसा नहीं मिलेगा। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो 35 से, आप देखेंगे 35 से 65 के बीच में कहीं भी मिल जाता है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी सदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि 40 के ऊपर 35 तक भी इसका प्रेजेंस है। इसलिए फर्स्ट टू जो है वो आपको दक्षिण गोलार्ध में नहीं मिलेगा, तो पूछ रहा है अनुपस्थित है, तो 1 एंड 2 इसका आंसर प्रोबेबल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। थैंक यू।